हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ OEM और रिटेल विंडोज के डिफरेंसेस के बारे में। आपने अगर अमेजोन पे या कोई और वेबसाइट पर विंडोज को सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि दो टाइप की विंडोज होती है, एक रिटेल विंडोज और एक OEM विंडोज। दोनों की प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि OEM और रिटेल विंडोज में क्या डिफरेंसेस है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशु और आपका मेरे इस टेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा OEM के बारे में। OEM का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OEM का दूसरा नाम सिस्टम बिल्डर भी है। OEM एक टाइप का लाइसेंस है जो कि प्री बिल्ड कंप्यूटर्स के साथ आते हैं, जैसे कि कंपनीज है HP, लेनेवो, डेल। तो ये सब जो कंपनीज हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स पर अपने OEM वर्जन की विंडोज प्री इंस्टॉल करती है और आपको सेल करती है। तो उन लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ आपको OEM की विंडोज मिलेगी, या अगर आप कोई लोकल शॉप से खरीदते हैं तो उसमें भी आपको OEM की विंडोज मिल सकती है, या अगर आप कोई कंप्यूटर खुद से फिट करते हैं तो उसमें भी आप OEM लाइसेंस की विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन OEM विंडोज की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ नई कंप्यूटर में यूज होती है, यह किसी अपग्रेड के लिए यूज नहीं हो सकती। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है और आप चाहते हैं कि विंडोज 10 की OEM लेकर के उसे अपग्रेड कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ उसी कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी जिसमें कोई भी विंडोज डाला हुआ नहीं है, वो क्लीन है, और उसमें तब आप OEM विंडोज डाल सकते हैं। और इसकी लिमिटेशन ये भी है कि आपने जिस भी कंप्यूटर में वो OEM विंडोज इंस्टॉल कर दिया वो हमेशा के लिए उसी कंप्यूटर में अटैच हो जाएगा, उस कंप्यूटर की मदरबोर्ड में उसकी लाइसेंस की इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क को SSD में अपग्रेड करते हैं या रैम को अपग्रेड करते हैं, तो आपकी विंडोज की लाइसेंस बनी रहेगी। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की मदरबोर्ड को ही चेंज कर देंगे तो आपकी OEM विंडोज किसी काम की नहीं रह जाएगी और वो बेकार हो जाएगी, आप उसे फेंक सकते हैं। और OEM विंडोज की दूसरी लिमिटेशन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जैसे कि रिटेल वर्जन में आपको फ्री में माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट मिलती है, जैसे आप फोन से कॉल कर सकते हैं या रिमोट शेयरिंग से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। लेकिन OEM वर्जन में ऐसा नहीं है। आपको जिसने भी वो OEM विंडोज बेची है, जैसे आपने HP से विंडोज लिया तो आपको HP से ही हेल्प लेनी होगी, या आपने किसी लोकल रिटेलर से कंप्यूटर लिया है तो आपको वो हेल्प करेगा, या अगर आपने खुद से OEM विंडोज को इंस्टॉल किया है तो आप खुद की हेल्प खुद करें, तो जिसने भी इसे इंस्टॉल किया वही हेल्प करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ये OEM लाइसेंस मेनली न्यू कंप्यूटर में बिल्ड करके उसे सेल करने के लिए है, और सपोर्ट भी वही देगा जो उसे सेल कर रहा है। मतलब अगर आप खुद से इंस्टॉल करते हैं तो आप खुद की सपोर्ट खुद करें। तो यही OEM की लिमिटेशन है, इसीलिए इसका प्राइस भी कम है। लेकिन अगर आप इसे इंस्टॉल कर देंगे तो ये बिल्कुल रिटेल वर्जन की विंडोज की तरह ही चलेगा, बिल्कुल फुल वर्जन। आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी और आपको विंडोज की तरफ से अपडेट्स भी मिलेगी। अब आइए बात करते हैं रिटेल विंडोज के बारे में। रिटेल वर्जन को फुल वर्जन भी कहा जाता है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। इसकी प्राइस OEM वर्जन से ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कई सारे फायदे हैं। ये आपको कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल्ड नहीं मिलती, ये आपको अलग से खरीदनी होती है, और ये किसी एक कंप्यूटर पे लिमिटेड नहीं होती, और आप इसे दूसरे कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार में एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगी। अगर आप दो कंप्यूटर पे इसे इंस्टॉल करना चाहें तो नहीं हो सकता ऐसा। आपको पिछले वाले कंप्यूटर से इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर दूसरे कंप्यूटर पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मदरबोर्ड भी चेंज कर दें तो आपकी विंडोज फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, और इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट फ्री सपोर्ट भी देगा। मतलब OEM विंडोज में जो लिमिटेशंस थी वो रिटेल विंडोज में नहीं है। आप इसे दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब शॉर्ट में रिटेल और OEM वर्जन के डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। OEM और रिटेल वर्जन का सबसे बड़ा डिफरेंस है प्राइस डिफरेंस। इसमें आपको OEM वर्जन जहाँ 7 से 8 हज़ार रुपये में मिल जाएगी, वहीं रिटेल आपको 13 या 14 हज़ार रुपये लग जाएंगे। और जहाँ OEM विंडोज हमेशा के लिए एक ही कंप्यूटर से अटैच हो जाती है, लेकिन रिटेल वर्जन की विंडोज में ऐसा नहीं है। आप दूसरे कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर। और तीसरा डिफरेंस ये है कि OEM वर्जन में आपको टेक्निकल सपोर्ट वही देगा जिसने आपको सेल किया है, लेकिन रिटेल वर्जन में आपको माइक्रोसॉफ्ट खुद फ्री टेक सपोर्ट देगा। तो ये सारी डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि आपको रिटेल वर्जन कब लेनी चाहिए और OEM वर्जन कब लेनी चाहिए। आप रिटेल वर्जन तब लें जब आप हर साल कंप्यूटर चेंज करते हैं, तो आप रिटेल वर्जन लें ताकि आप नया कंप्यूटर जब लें तो बिना विंडोज का लें, और आप पिछले कंप्यूटर से विंडोज अनइंस्टॉल करके नया कंप्यूटर में रिटेल विंडोज इंस्टॉल कर लें। तो इस तरह से आपकी मनी सेव होगी, आपको बार बार विंडोज खरीदना नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर आप कभी कभी कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करते हैं या अगर आप लंबे समय तक यूज करने के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें भी आप ओईएम वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो हुई पैसे लेकर विंडोज परचेज करने की बात, लेकिन अगर आप फ्री में विंडोज यूज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में दे दूंगा, इस वेबसाइट से विंडोज को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये अनलाइसेंस्ड वर्जन होगा लेकिन कोई भी फंक्शनैलिटी रिड्यूस नहीं होगी, अनलेस कि इसमें सिर्फ आप पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते, आप अपने वॉलपेपर या टास्क बार के कलर चेंज नहीं कर सकते, तो बस थोड़ी सी पर्सनलाइजेशन की लिमिटेशन है, बाकी आप फुल यूज कर सकते हैं, आपको क्रिटिकल अपडेट्स भी मिलेगी। या अगर आप फ्री में लाइसेंस्ड वर्जन चाहते हैं तो आप विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम में रजिस्टर कर लें, स्लो रिंग में रजिस्टर करें। इसमें आप विंडोज को उसकी अपडेट को बेहतर बनाने के लिए हेल्प करेंगे और उसके बदले में विंडोज आपको फ्री में लाइसेंस्ड वर्जन प्रोवाइड करेगा। तो आई होप कि आपको ये ओईएम और रिटेल वर्जन की डिफरेंसेस के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे आंसर करूंगा। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोज लाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। आज के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।